हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन पढ़ा था, जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसके बीच में रखा हुआ था। ठीक है, उस डेरिवेशन के बाद इस यूनिट में अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जिसमें है, तो फर्स्ट यूनिट में लास्ट टू टॉपिक्स बचे हुए हैं। एक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और सेकेंड टॉपिक जो है वो वेंटिग्राफ जनरेटर। दोनों ही टॉपिक अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा रिपीटेडली पूछे जाते हैं। वेंटिग्राफ जनरेटर बहुत टाइम से नहीं पूछा गया है, लेकिन एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मैं एक बार वो लिख देता हूँ, हेडिंग लॉस of energy in redistribution of charges। ठीक है, अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो यही होगा, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, सिंपली आप समझ जाना। डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहता है, लेकिन हम छोटे से छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा आप इसको नहीं खींचेंगे। बस आप ये समझो इसका इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि हम चार्जेस को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब सिंपल में डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि कैसे चार्ज करने वाले। ठीक है, डायग्राम में यहाँ पर बना नहीं देने दूंगा, या फिर ट्राई करता हूँ, एक बार देखते हैं। ठीक है, ये दो क्या हो गए हमारे स्फीयर, हो गए मेटेलिक स्फीयर। ठीक है, एक को दे दो ए और एक को दे देता हूँ मैं बी। इनको एक स्टैंड पर मैं टिका देता हूँ जिससे ये गिरे ना। इसको भी मैं एक स्टैंड पर टिका देता हूँ जिससे ये गिरे, स्टेबल पोजीशन पे रहे। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेटेलिक स्फीयर है। मेटेलिक स्फीयर का मतलब क्या है कि इनके ऊपर पहले से चार्ज, पहले से इनके ऊपर आवेश होंगे। ठीक है, प्लस माइनस आवेश इनके पास पहले से होंगे। मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा मतलब समझना है यहाँ पर, मैं इनके पास जो चार्जेस है वो इसके चार्ज इस पे और इसके चार्ज इस पे दूंगा। ठीक है, मुझे ये देखना है कि इसके पास कितने चार्ज हैं, इसके पास कितने चार्ज हैं, और जब मैं इन चार्जेस का ट्रांसफर करता हूँ एक दूसरे पे तो कितने चार्ज लॉस होता है, कितना चार्ज वहां पर लॉस हो रहा है, कितना हमारा लॉस वहां पर हो रहा है, उसी लॉस को हमें निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखो, मान लो कि ये जो कंडक्टर मैंने लिया है इसकी कैपेसिटी C2 है, क्योंकि ये B है तो मैं C2 दे देता हूँ, इसकी कैपेसिटी C1 है। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल है वो V1 है और इसका पोटेंशियल है V2। इस पे जो चार्ज है वो Q1 है और इस पे जो चार्ज है वो Q2। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कह दिया, इसके कुछ डायमेंशन दे दिए। डायमेंशन की हेल्प से हम अब आगे पता लगाने वाले हैं कि कितना हमारे पास चार्ज इकट्ठा हो रहा है, कितना चार्ज यहाँ पर लॉस हमारा हो रहा है। सबसे पहले ध्यान से समझो, देखो ए पर और बी पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा इसमें कि ए के चार्ज निकालूंगा और बी के चार्ज निकालूंगा। ठीक है, ए और बी के चार्ज निकालूंगा बिफोर कनेक्टिंग, मतलब इन दोनों को जोड़े बिना। अगर मैंने यहाँ पर इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया तो दोनों के चार्जेस इधर उधर जाने लगेंगे। ठीक है, कि वहां उनको क्या मिल जाएगा, एक मीडियम मिल जाएगा। लेकिन मैंने अभी दोनों को अलग रखा है, बिफोर कनेक्टिंग मतलब इनको जोड़ने से पहले मैं क्या करूंगा, इनके चार्जेस निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले बिफोर कनेक्टिंग, बिफोर कनेक्टिंग। ठीक है, सबसे पहले स्फीयर ए जोड़ने के पूर्व चालक ए की ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर ए, ए की एनर्जी क्या होगी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर अपॉन में 2 एमवी स्क्वायर। उसी के बेस पर यहां पर क्या हो जाएगा, बराबर अपॉन में 2, यहां पर इसकी कैपेसिटी फर्स्ट वाले की कैपेसिटी क्या है, सी1, और पोटेंशियल क्या है, वी वन, तो सी वन वी वन का स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा। एनर्जी ऑफ कंडक्टर ए बिफोर कनेक्टिंग में बात कर रहा हूँ, तो इसका सी वन और वी वन है, तो सी वन वी वन का स्क्वायर। एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई वन अपॉन में टू एम वी स्क्वायर, आपने लास्ट क्लास में ये अच्छे से पढ़ा होगा, इसका डेरिवेशन दिया। सेकेंड एनर्जी
एनर्जी ऑफ कंडक्टर बी इज इक्वल टू 1/2 C2V2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया C2V2 का स्क्वायर, टोटल एनर्जी। अच्छा टोटल कैसे निकालेंगे, अगर टोटल एनर्जी मुझे निकालनी है तो मैं इसको देता हूं म्यू 1। ठीक है, म्यू 1 क्यों दे रहा हूं ये मैं आगे बताऊंगा, अभी मैं दे रहा हूं म्यू 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो म्यू 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर। मैं अगर यहां से कॉमन लेना चाहूं 1/2 तो ये हो जाएगा C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्या यहां क्या निकाल लिया हमने, यहां पर कनेक्ट करने से पहले टोटल एनर्जी कितनी है दोनों पर, 1/2 C1V1 का स्क्वायर और C2V2 का स्क्वायर। अब हम करते हैं इस कंडक्टर को कनेक्ट। ठीक है, देखो ए और बी मैंने यहां पर ए छोटा बनाया है, बी बड़ा बनाया है, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यहां पर जो चार्ज होगा वो कम होगा, यहां पर ज्यादा होगा। अगर मैं वायर से दोनों को कनेक्ट कर दूंगा तो होगा क्या, ज्यादा कम चार्ज जो है ये एक दूसरे में शिफ्ट होते जाएंगे चार्जेस, और तब तक शिफ्ट होंगे जब तक इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, दोनों के चार्ज इक्वल ना हो जाए तब तक वो एक दूसरे में शिफ्ट होते रहेंगे। ये क्या है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है कि हमेशा जो चीजें होंगी अगर दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूं तो चार्ज दोनों में एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, अगर चार्ज एक जैसे हो जाएंगे तो कनेक्ट करने के बाद जो पोटेंशियल है दोनों का वो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको वायर से कनेक्ट कर देता हूं तो पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, V। ठीक है, इसका V1 था इसका V2 था, लेकिन अगर मैं कनेक्ट कर देता हूं तो पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा। तो पोटेंशियल को मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, यहां पर V से। डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आफ्टर कनेक्टिंग पर। आफ्टर कनेक्टिंग, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, कनेक्ट करने के बाद अगर हम देख रहे हैं यहां पर तो सिंपली दोनों चालक को मैं जोड़ देता हूं, दोनों चालकों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो एनर्जी कंडक्टर ए, वही सेम चीज जहां हमने यहां पर लिखी थी एनर्जी ऑफ कंडक्टर ए क्या होगी, 1/2 C1, लेकिन यहां पर V1 का स्क्वायर नहीं होगा, किसका स्क्वायर होगा, V का स्क्वायर, तो C1 V का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल तो दोनों का सेम हो गया। सेकंड हम देखते हैं एनर्जी ऑफ कंडक्टर बी इज इक्वल टू 1/2 C2V का स्क्वायर। ठीक है, बी मतलब पोटेंशियल वहां पर सेम है। टोटल एनर्जी इसको देता हूं मैं म्यू 2, अभी बताऊंगा मैं म्यू 1 म्यू 2 क्यों दे रहा हूं, इज इक्वल टू 1/2 C1V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V का स्क्वायर, दोनों को हमने प्लस कर दिया तो म्यू 2 की वैल्यू क्या रहेगी, 1/2 V स्क्वायर C1 प्लस C2। आया समझ में, म्यू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 V स्क्वायर C1 प्लस C2, इसको दे दे इक्वेशन नंबर 2। देखो हमने निकाला कनेक्ट करने से पहले इतना चार्ज था, कनेक्ट करने के बाद इतना चार्ज हुआ, हमें पता है कि कनेक्ट करने के बाद कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ होगा, मतलब ये वाली वैल्यू छोटी है ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो अगर मुझे लॉस निकालना है, लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब हमने कनेक्ट करने के बाद जो हमारा लॉस हुआ है, अगर मुझे लॉस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा और कम इन दोनों को माइनस कर दूंगा, जो बचा वो क्या हो जाएगा लॉस, मतलब पहले इतना था बाद में इतना हो गया, दोनों को माइनस कर दूंगा, मेरे पास पहले 5 रुपए थे बाद में 4 रुपए हो गए, मुझे लॉस कितने का हुआ तो मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, मुझे लॉस 1 रुपए का हुआ। उसी तरीके से अगर मैं म्यू निकालूंगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू 1 माइनस म्यू 2। ऐसे ही यहाँ पर ज्यादा चार्ज होगा, यहाँ पर लॉस हो गया तो बड़ा माइनस छोटा, दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ। म्यू इज इक्वल टू म्यू 1 की वैल्यू क्या है, 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 V स्क्वायर C1 प्लस C2। आया समझ में, यहाँ पर अब इसके बाद कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन किस तरीके से होगी ये मैं आपको बताता हूँ। क्या करते हैं सबसे पहले, बट पोटेंशियल
v इक्वल टू q अपॉन में c। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है q अपॉन में c। हियर अगर मैं यहां की बात करता हूं तो v इक्वल टू हो जाएगा q1 plus q2 अपॉन में c1 plus c2। हां यार, क्योंकि q अपॉन में c टोटल q की वैल्यू क्या होगी, इसका और इसका चार्ज, और c की वैल्यू क्या होगी, इसका और इसका कैपेसिटेंस। तो q1 plus q2 c1 plus c2 दोनों की वैल्यूज मैंने यहां कर दी। अब अगर मैं q की वैल्यू निकालता हूं तो c into v, तो मैं q1 की जगह पर क्या रख देता हूं, यहां पर v is equal to, और v is equal to क्या हो जाएगा, q1 की जगह पर c और v, c1 v plus c2 v upon में c1 plus c2, ये हो गई हमारी v की वैल्यू। आया समझ में, v की वैल्यू क्या लिखी मैंने, c1 v plus c2 v upon में c1 plus c2। क्यों लिखी है, क्योंकि यहां पे अगर मैं q1 की वैल्यू निकालने जाऊंगा, because यहां पर देखना, ये लिखना मतलब इसके आगे लिखना है, ये वाले का मतलब लिख रहा हूं, q1 is equal to होगा c1 v and q2 is equal to होगा c2 v, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला कौन सा है, c q is equal to क्या होता है, cv होता है, ठीक है। या फिर मैं c is equal to q upon sorry c is equal to q upon में v लिखता हूं, ये फार्मूला हमारे पास होता है संधारित्र कैपेसिटेंस का, ठीक है। इसी फार्मूले से मैंने q की वैल्यू निकाली है c into v, तो c into v मैंने यहां पर पुट की, लेकिन c क्या है, c1 है, v as it is, c2 क्या है, c क्या है, c2 है, और v as it is, दोनों की वैल्यू हमें पता चल गई। अब देखो ये वाली इक्वेशन में रीड कर रहा था, लेकिन मुझे अब इसकी वैल्यू पता चल गई है, v की वैल्यू पता चल गई है, v की वैल्यू पता चल गई है। मुझे नहीं लगता कि यहां पर आपको कुछ डाउट होगा, तो ये वाला सेक्शन इसको पूरा ड्रॉप करने वाला हूं, तो एक बार वीडियो पॉज करके ये वाला सेक्शन यहां तक आप क्या कर लो, नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारी ये वाली जो इक्वेशन है इसमें मैं v की वैल्यू पुट कर देता हूं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, तो यहां पर लिख दो इन इक्वेशन 3, 3 में मैं v की वैल्यू पुट करता हूं, देखो v = 1 / 2 c1 v1 का स्क्वायर plus c2 v2 का स्क्वायर minus 1/2 c1 plus c2 लिख देता हूं मैं, और v स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, तो मैं इसको लिखता हूं c1 v plus c2 v अपॉन में c1 plus c2 इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, या फिर मैं होल स्क्वायर भी लगा सकता हूं, वो मेरी इच्छा पर है, ठीक है। अब देखो c1 plus c2 से एक c1 plus c2 कैंसिल, ठीक है, बचेगा क्या, μ = 1/2 c1 v1 का स्क्वायर plus c2 v2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 c1 v प्लस c2 v अपॉन में c1 प्लस c2, ठीक है। यहां पर c1 प्लस c2 एक बचेगा, तो यहां पर मैंने स्क्वायर से लिख दिया। थोड़ी सी इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी टफ है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, मैं जो यहां पर बता रहा हूं, μ इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में 2 दोनों में तो मैंने कॉमन ले लिया, बचा गया यहां पर c1 v1 का स्क्वायर प्लस c2 v2 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर है, सॉरी है ना, माइनस c1 v प्लस c2 v का होल स्क्वायर अपॉन में c1 प्लस c2। यहां पर इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो मैं 1 लगा देता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, μ इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, c1 प्लस c2, ठीक है, एलसीएम आएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी वैल्यू जाएगी, इसलिए मैं यहां पर नहीं लिख देता हूं c1 प्लस c2। इधर वाला क्वेश्चन मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, c1 plus c2 है, c1 plus c2 का इधर मल्टीप्लाई और 1 का इधर मल्टीप्लाई, c1 plus c2 का इधर होगा तो c1 plus c2 और यहां पर c1 v1 का स्क्वायर plus c2 v2 का स्क्वायर, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 1 का इधर मल्टीप्लाई होता है, ये तो ऐसे ही रहेगा c1 v plus c2 v का होल स्क्वायर, ऐसे में अब
इसके आगे चलते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी काम आएगी, थोड़ी टफ होगी। C1 का C1 B1 के होल स्क्वायर से, तो C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर। C1 का C2 V2 के होल स्क्वायर से, तो वो क्या हो जाएगा C1 C2 V2 होल स्क्वायर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अच्छे से समझना। प्लस C2 का C1 V1 के होल स्क्वायर से, तो C1 C2 V1 होल स्क्वायर, C1 C2 V1 का होल स्क्वायर। प्लस C2 का C2 V2 के होल स्क्वायर से, तो C2 स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। माइनस इसमें फार्मूला ओपन कर दो, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो C1 का स्क्वायर V का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V का स्क्वायर प्लस 2C1B प्लस दोनों इस वाले टर्म को वापस लिखता हूं, यहां पर हो जाएगा C2 स्क्वायर B का स्क्वायर, अब प्लस 2AB, तो 2 A क्या है C1B, तो C1B इनटू B क्या है C2B, तो यहां पर C2 इसके होल के अपॉन में चल रहा है C1 प्लस C2। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ जरूर है, लेकिन अगर अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 1/2, यहां पर देखते हैं C1 V1 का स्क्वायर, और नहीं लिख रहा है क्या, अभी आगे हम देखेंगे। ये हो गया C1 स्क्वायर और V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, यहां पर जैसे हम आएंगे तो C1 का स्क्वायर और B स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस का C1 स्क्वायर B स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का C2 स्क्वायर B स्क्वायर माइनस का 2C1 V, या फिर मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूं C1 C2 B स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे के अकाउंट में क्या चल रहा है हमारा C1 प्लस C2। आया समझ में? अब हमारा ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा थोड़ा सॉल्व होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो हमारी बी की वैल्यूज वहां पर दी गई है, ठीक है, बी की जो भी हमारी वैल्यू दी है C1B और C2B, दो मिनट एक बार मैं देख लेता हूँ, C1B और C2B की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। हाँ ठीक है, यहाँ पर C1B और C2B की वैल्यू दी थी, जो हमने बी की वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। हाँ, यहाँ पर ये जो गलती हो गई थी, हमसे B1 और B2 नहीं निकाला, तो मैं यहाँ पर B1 और B2 कर देता हूँ, B1 और B2 कर देता हूँ, B1 और B2, B1 और B2 सब जगह पर, यहाँ पर भी बी स्क्वायर ना होते हुए B1 और B2 हो जाएगा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 और यहाँ पर 2, कोई भी दिक्कत नहीं। वापस जो बी की वैल्यू थी वो C1 B1 प्लस C2 B2 थी, अब 1 में C1 प्लस C2 थी, तो हमने ये वैल्यूज यहाँ पर पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद क्या होगा, अब आगे इसको समझते हैं। देखो, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, इससे C1 B1 स्क्वायर कैंसिल, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर है, इससे C2 B2 स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या हमारा एक ये टर्म, तो C1 C2 B स्क्वायर, C1 C2 B1 स्क्वायर, और यहां पर क्या है 2 C1 C2 B1 B2, तो हम इसको अब आगे लिखते हैं, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं एक बार, म्यू इज इक्वल टू 1/2, ऊपर क्या बचा C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस, यहां पर सॉरी प्लस की जगह माइनस, 2 C1 C2 V1 V2 और इसका स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, V1 V2 और इसके होल अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, ये टर्म हो गई हमारे पास। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा C1, C2 और B2 का होल स्क्वायर है C1, C2, अब तीनों में से C1, C2, C1, C2, C1, C2 तीनों में से कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ C1, C2 अपॉन में 2, यहाँ पर बचा B1 का होल स्क्वायर, B2 का होल स्क्वायर, B1 का होल स्क्वायर माइनस 2 B1 B2 अपॉन में C1 प्लस C2।
ठीक है, नीचे का भी रब कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी वन सी टू अपॉन में टू सी वन प्लस सी टू, इस तरीके से लिखता हूं। ये फॉर्मूला बन जाएगा वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा वी वन माइनस वी टू के होल स्क्वायर का, और यही है हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू। एनर्जी है, एनर्जी का जो एनर्जी की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पर जूल, तो यहाँ पर लगा देना जूल। तो इस तरीके से हमने ये डिराइव किया एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन का। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बन गई लेकिन हमने एंड इसको कर दिया। अगर इसमें कहीं पर डाउट आता है तो एक बार मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर देना, तो मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। कल हम पढ़ेंगे वेंडी ग्राफ जनरेटर, जो कि लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, और इस टॉपिक को हम आज इस मतलब कल इस हफ्ते में एंड कर देंगे। मंडे से हम नया यूनिट नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।